Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव को लेकर जो सारी पार्टियां हैं वो अपने अपने कमर कसने को तैयार हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और उसमें बाहुबली नेताओं का चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? और इसी में एक सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है बाहुबली मुख्तार अंसारी को। जब से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद लगातार योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्तियों पर चलता नजर आ रहा है। तो वहीं योगी की जो प्रशासन व्यवस्था है वो लगातार मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के साथ रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ उनका जो सामाजिक स्थिति मुख्तार अंसारी का बना हुआ है उसको भी ध्वस्त करने में लगी हुई है। लेकिन खबर ये आ रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, हो सके तो मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसकी वजह जो है वो कई सारे आपराधिक मामलों से जुड़े केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। जी हां, बात करें तो उत्तर प्रदेश के 45 मौजूदा विधायकों के चुनाव लड़ने का जो संशय है वो कहीं ना कहीं लागू हो सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि मौजूदा 45 विधायकों पर MPMLA कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। RP अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 की धारा 8(1)(2) और 3 के तहत सूचीबद्ध अपराधों में ये आरोप तय हुए हैं। इन मामलों में न्यूनतम 6 महीने की सजा होने पर भी ये सभी विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का भी नाम इस लिस्ट में जारी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक है, यानी कि 32 विधायक जो हैं इस मामले में शामिल हो सकते हैं। ADR ने यह रिपोर्ट पहली बार जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी के सबसे ज्यादा 32, समाजवादी पार्टी के 5 और बहुजन समाज पार्टी और अपना दल के जो है 3-3 तथा कांग्रेस के अन्य दलों के 1-1 विधायक शामिल। मड़िहान विधानसभा से भाजपा विधायक रामाशंकर सिंह, मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी, धामपुर से भाजपा विधायक अजू कुमार राणा के लिस्ट भी इसमें शामिल है। अगर बात करें तो इसके अलावा भ्रष्टाचार और जो मनी लॉन्ड्रिंग, उत्पादन, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और किसी भी नशीली दवा के सेवन से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अपराध, भोजन और दवाओं में मिलावट आदि से, दहेज से संबंधित आदि भी अपराध शामिल है। इन अपराधों में कोर्ट दोषी ठहराए जाने के बाद कम से कम 2 साल की जो कारावास की सजा है वो शामिल करती है। सजा प्राप्त होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का नियम पहले से मौजूद है। रामाशंकर सिंह पर 27 साल, मुख्तार अंसारी पर 26 साल, अशोक राणा पर 25 साल, तो संजीव राजा पर 24 साल, करिंदा और 23 साल से मुकदमे चल रहे हैं लेकिन आरोप तय नहीं हुए। और आरोप तय होने के बाद अगर सजा मिल जाती है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्तार अंसारी जो विधायक हैं वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.